हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपने टाटा का नाम तो सुना ही होगा। देखिए, टाटा देश का बहुत पुराना एक नाम है, या मैं कहूँ ब्रांड है। देखिए, टाटा बनाता क्या है? देखिए, आप देख सकते हैं कि टाटा एक नमक से लेके और एक एयरक्राफ्ट तक, ट्रक, इतनी कंपनियाँ हैं उसकी, इतने देशों में फैली हुई हैं और वो एक देश का बहुत बड़ा ब्रांड है। देखिए, उसके बारे में हम कुछ चीज़ आपसे बात करने वाले हैं। एक्चुअली एक रिसर्च फर्म है इंडिपेंडेंट, उसका नाम है इक्विटी मास्टर। वो एक सर्वे कराती है, तो उस सर्वे में निकल के आता है कि टाटा ग्रुप हैज़ एमर्ज। तो ग्रुप का मतलब क्या है? यानी इस ग्रुप टाटा की जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन सबको मिला के उनका एक ग्रुप बन जाता है। हैज़ एमर्ज एज मोस्ट ट्रस्टेड कॉन्ग्लोमरेट, यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इन द रिसेंट पोल कंडक्टेड बाई द इक्विटी मास्टर। तो यानी देखिए, जो इक्विटी मास्टर ने एक सर्वे कराया, उसमें ये निकल के सामने आया जो टाटा ग्रुप है एज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड या ग्रुप ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ट्रस्टेड अगर कोई ग्रुप है तो वो टाटा ग्रुप है। तो इस वीडियो में हम उन सब बातों पे चर्चा करेंगे कि फर्स्ट कौन रहा। तो ये आपको चल गया पता यहाँ पर कि टाटा ग्रुप जो है नंबर वन पे रहा। तो इस आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि भाई फिर अंबानी कहाँ है, जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिट है, रिलायंस ग्रुप है, वो कहाँ मैटर करता है। तो देखिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जो नंबर वन पे रहा वो रहा टाटा ग्रुप, नंबर टू पे रहा आदित्य बिरला ग्रुप, या बिरला ग्रुप बोल सकते हैं उसको, और नंबर थ्री पे रहा अंबानी, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इसको मुकेश अंबानी से लिंक कर सकते हैं। देखिए, जो टाटा ग्रुप का अगर आप वोट शेयर देखें, देखिए 100 में से 66% वोट टाटा ग्रुप के पक्ष में पड़े, यानी जो फर्स्ट नंबर पे है ये मान के चलिए उसके 100 में से 66 मार्क्स आए हैं। और जो आदित्य बिरला ग्रुप और अंबानी ग्रुप है, आप इनको लगा के देखिए कि ये जो हैं ये 5% और 4.7% रहे हैं। तो पहले नंबर पर टाटा ग्रुप, दूसरे नंबर पर रही बिरला ग्रुप, और तीसरे नंबर पर रहा अंबानी ग्रुप। तो ये तीन ग्रुप हैं जो टॉप थ्री में रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें दोनों तीनों का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। देखिए, जो 2013 में सर्वे कराया गया था इक्विटी मास्टर द्वारा, उससे डबल इस बार वोट शेयर लेके आया है टाटा ग्रुप। तो 2013 में क्या था, एक्चुअली 32% वोट आए थे टाटा ग्रुप के हिस्से में, लेकिन इस बार जो वोट शेयर है वो 66% है। तो देखिए, ये सर्वे कितने लोगों में कराया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो आ टोटल ऑफ 5,274 पीपल, यानी 5,500 लोगों में ये सर्वे हुआ है, पार्टिसिपेटेड टू वोट ऑन 17 लार्ज कॉरपोरेट्स बेस्ड ऑन देयर ट्रस्टवर्दीनेस। तो देखिए, 17 कंपनियों को एक या 17 ग्रुप्स को, बड़े बड़े नामों को, कॉरपोरेट्स को लिस्ट में डाला गया, और फिर उनको बोला कि आप इनमें से चूज़ कीजिए कि एज पर योर ट्रस्ट फर्स्ट नंबर पे कौन, सेकंड नंबर पे कौन, थर्ड पे कौन। इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर टाटा ग्रुप, नन ऑफ द अदर 16 ग्रुप्स हैव बीन एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ ओवर 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यानी 5% से ज़्यादा भी लोग ऐसे नहीं मिले कोई भी कंपनी इनमें से, क्योंकि जो 5% है सेकंड नंबर पे, जो बिरला ग्रुप है उसके 5% आए, यानी कोई भी ग्रुप 16 इन ग्रुप में से 5% के जो रेशियो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। आदित्य बिरला ग्रुप, गोदरेज, टीवीएस हैव मूव्ड अप टू रैंक्स। देखिए, जैसे मैं बताया, आदित्य बिरला ग्रुप जो है ये इस बार सेकंड नंबर पे आया है, तो जो 2013 का पोल था उसमें ये फोर्थ नंबर पे था। गोदरेज ने भी दो रैंकिंग की छलांग लगाई है, टीवीएस ने भी दो रैंकिंग की छलांग लगाई है। मुकेश अंबानी ग्रुप जंप्ड 6 रैंक्स। देखिए, लास्ट ईयर जो सर्वे हुआ था उसमें रिलायंस का जो ग्रुप है मुकेश अंबानी ग्रुप, वो 9th पोजीशन पे था, लेकिन इस बार वो 6 अंकों की छलांग लगाकर तीसरी पायदान पर आ गया है। राहुल बजाज ग्रुप विच केम इन 4th प्लेस मूव्ड अप बाय 9 रैंक्स फ्रॉम द लास्ट पोल। देखिए, इस बार वो 4th नंबर पे, लेकिन लास्ट टाइम 13th नंबर पे था वो। अनदर सिग्निफिकेंट चेंज इन दिस ईयर पोल रिजल्ट वॉज दैट 2%
इन्वेस्टर जो थे वो ऐसे थे जिन्होंने नन ऑफ दी अबव का ऑप्शन चूज किया, यानी इनमें से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था, एज अपोज्ड टू 4% इन 2013। लेकिन अगर ये रेशियो आप 2013 के सर्वे में देखें तो वो 4% था। तो देखिए, इसमें सबसे जो लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं 0.8%, वो मिलेंगे सीएट टायर के ग्रुप को, जो आरपीजी ग्रुप है, राम प्रसाद गोयन का ग्रुप जो है, उनको 0.8% वोट्स मिले हैं। द पोल रिवील्स दैट देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द विनर एंड द रेस्ट ऑफ द कॉरपोरेट ग्रुप्स। अब जो इसके कोफ हेड हैं रिसर्च एक्विटी मास्टर के, उन्होंने कहा है, राहुल साहा, एन इंक्रीजिंग पोर्शन ऑफ ए फर्म्स वैल्यू रिजाइड्स इन intangibles such as goodwill and reputation, and when it comes to making intangible tangible, nothing is more important than trust। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ बड़ा बनना है, अपनी रेपुटेशन बनानी है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका ट्रस्ट। अगर आपने लोगों का विश्वास जीत लिया है, देखिए टाटा कहते हैं ना, टाटा देश की शान है, टाटा में क्या है, एक देश की मिट्टी की महक है। तो ये टाटा ने साबित करके दिखाया है, जब भी ऐसे सर्वे हुए हैं या जब भी देश को जरूरत पड़ी है तो टाटा सबसे आगे निकल के सामने आया है। ही फर्दर एडिड द एट्रीब्यूट फ्लोज फ्रॉम ए कंपनीज लीडरशिप थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स विच अल्टीमेटली इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो जो लीडरशिप है वो इस टाइप की होनी चाहिए, टू से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स, एंड जो भी उनके हैं वो सब में उस चीज़ को इक्वली इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इससे कंपनी का क्या है, प्रॉफिट बढ़ता है। अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, देखिए टाटा ग्रुप जो है इंडिया में 1868 से है, और ये बनाया था जमशेद जी टाटा ने। द टाटा ग्रुप इज ग्लोबल एंटरप्राइज हेडक्वार्टर इन इंडिया कंप्राइजिंग 30 कंपनीज। देखिए टाटा ग्रुप के अंदर 30 कंपनियाँ हैं, और इट ग्रुप ऑपरेट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज। देखिए 100 देशों से ज़्यादा में इनकी कंट्रीज में ये इनका ग्रुप काम करता है, यानी इनकी जो कंपनियां हैं 100 देशों में हैं, अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। देखिए जो 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट में इनकी कंपनियां हैं। देखिए आपने इनकी कंपनियों का बहुत नाम सुना होगा, जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप TCS के आपने PC, लैपटॉप, ये सब चीज़ देखी होंगी। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ हैं, जैगवार लैंड रोवर है, टाटा के ट्रक्स हैं, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन, जो टाइटन घड़ी होती है काफ़ी फेमस है इंडिया में, वो टाटा की है, टाटा कैपिटल, टाटा पावर, टाटा एडवांस सिस्टम, इंडियन होटल्स एंड टाटा कम्युनिकेशंस। देखिए इन सब जो कंपनी का मैंने नाम लिया, एक्चुअली टाटा ग्रुप की कंपनियाँ हैं, और ये आपको दर्शाती है कि इंडिया में टाटा ग्रुप जो है इतना ट्रस्टेड 1868 से लेके आज तक ये कहानी है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से टाटा जो एक्चुअली लोगों का ट्रस्ट जीतने में आसानी से सफल हो जाता है। तो देखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, फिर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।